वेलकम ड्रीम डे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास एट चैप्टर फोर पॉइंट थ्री फोर पॉइंट थ्री में आपका एक क्वार दिया है इसमें बनाना है तो फर्स्ट आपको क्या करना है एम ओ सिक्स सेंटीमीटर ड्रा करना है तो ये आपको सिक्स सेंटीमीटर को क्या बना देना है एक लाइन यम ओ बना देना है इसका नाम क्या देना है यम ओ और कितने मीटर है सिक्स सेंटीमीटर फिर क्या करना है एंगल इसमें ड्रा करना है तो एंगल यम दिया है आपका कितने डिग्री सिक्सटी डिग्री दिया तो आपको एंगल बनाना है सिक्सटी डिग्री का तो एंगल बनाएंगे सिक्सटी डिग्री की ये हो जाएगा आपका तो यहाँ बना ड्रा कर देना है तो आपको सिक्सटी डिग्री का एंगल ड्रा करने के बाद इसको बना देना है तो कितने डिग्री का है सिक्सटी डिग्री का फिर एंगल ओ दिया है कितना दिया वन हंड्रेड फाइव डिग्री का तो देखिए ये एंगल वन हंड्रेड फाइव डिग्री का ये हंड्रेड ये वन हंड्रेड फाइव डिग्री का तो ये हो जाएगा तो यहां से बनाना है वन हंड्रेड फाइव डिग्री फिर आपको क्या करना देखिए ओ एर दिया है फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ओ आर तो ओ आर में क्या करना आपको फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का यार्क मारना है तो आपको इस, इस, स्केल की हेल्प से आपको 4.5 डिग्री का यार्क मारना है तो आप लोगों को ओ से फोर पॉइंट फाइव डिग्री का क्या करना है यार्क मारना है तो ये जहाँ पास यार्क जाएगा वहाँ पास पॉइंट आर नाम देना है ये कट किया यहाँ पास पॉइंट क्या दे देना है आर हो जाएगा यहाँ पास ये आर आ गया अब क्या करना है आर एंगल वन हंड्रेड फाइव डिग्री दिया तो आपको आर से यहाँ वन हंड्रेड फाइव डिग्री का एंगल बनाना है ऐसे करके और आर से वन हंड्रेड कितने फाइव डिग्री का एंगल मेजरमेंट करना है तो आपका देखिए हंड्रेड ये वन हंड्रेड फाइव यहाँ पास आ रहा है तो ऐसे मिला देना है आपका तो आपका ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा ओ आर और की कौन सा हो जाएगा ये ई हो जाएगा ओके, okay. तो कितने का है वन हंड्रेड फाइव डिग्री का और यहां फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो इस तरह आप लोगों को ड्रा करना है इसके स्टेप इस देखिए क्या क्या लिखना है आप लोगों को स्टेप लिखना है फर्स्ट आपको जो ड्रा किए हैं ये लाइन एम ओ सिक्स सेंटीमीटर आपको लिख देना फर्स्ट सिक्स सेंटीमीटर लाइन हमने ड्रॉ किया फिर आपको क्या किया यम को सेंटर मान करके सिक्सटी डिग्री का एंगल बनाया फिर ओ को सेंटर मान करके वन हंड्रेड फाइव डिग्री का एंगल बनाया फिर ओ से फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का यार्क मारा ओ को सेंटर मार कर मान करके तो फिर वन हंड्रेड फाइव डिग्री यहाँ एंगल बनाने के बाद इसको मिला दिया फिर क्या करना है आर को आर यहाँ पॉइंट नाम दिया आर को सेंटर मान कर के वन हंड्रेड फाइव डिग्री का एंगल बनाया और यहाँ ई पॉइंट आ गया तो एम ओ आर ई को मिला दिया तो आपको एक कोर्डिलेटर्स बन जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा दूसरा देखिए सेकंड में क्या करना है हमको पता है क्वार्डिलेटर के एंगलों का सम कितना 360 डिग्री होता है तो एंगल पी एंगल एंगल एन एंगल यल इक्वल 360 90 110 85 एंगल यल इक्वल तो 360 हो जाएगा तो एंगल यल की वैल्यू आ जाएगी कितना 75 आ जाएगा देखिए इसमें पहले एंगल पी बनाना आपको पी एल एक ड्रा करना है कितने का 4 सेंटीमीटर का पी एल लाइन एक ड्रा करना है फोर सेंटीमीटर की देखिए पी एल आपको लाइन ड्रा करना है फोर सेंटीमीटर की फिर एंगल पी बनाना है नाइन्टी डिग्री का और एंगल यल बनाना है आपका सेवेंटी फाइव डिग्री का ओके फिर आपको यल से सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री का यार्क मारना है पी एल तो आपका देखिए एल ए तो ए पॉइंट आ जाएगा यल ए बनाना है तो सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री के यार्क मारेंगे तो पॉइंट ए आ जाएगा फिर आपको क्या करना है ए से वन हंड्रेड टेन डिग्री कहीं बना देना तो आपका कौन सा यन पॉइंट आ जाएगा यन से जो रहेगा आपका क्या रहेगा एट्टी फाइव डिग्री बन जाएगा एंगल तो आप लोगों को इसको बना देना है ये आपको समझने आता है कि एंगल ये यल जो था सेवेंटी फाइव डिग्री का था तो आपको फिर आपका वन हंड्रेड टेन मानेंगे तो इधर से देखिए जो आएगा तो वह एट्टी फाइव डिग्री रहेगा तो आपको यानी एट्टी फाइव डिग्री इधर से मेजर करना है और उधर से बनाना है दे। देखिए मैं बनाकर आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे बनाना है इसको आप लोगों का इस टाइप का फिगर बनेगा ओके तो आप लोगों को इस तरह ड्रा कर देना है आपको ये नहीं पर्सन होने क्या एंगल एट्टी फाइव बन रहा है ये तो आपको इस एंगल से मेजरमेंट करके ये बना देना है तो इस तरह बना लेना आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ओके थैंक यू